So welcome everyone. So in this video, I share you some government job yoga in the hand. So male partners and male people read their right hand and females read their left hand if they want to do a job and interested in earning and all. So first and most important combination in a hand is the Surya Parvat. This is the ring finger and below it is the Sun mount. Sun, as we know, Sun is very important in taking a government job because Sun is authority, Sun is high post. If your Surya Parvat below the ring finger, if it is well developed and some straight lines is there without any interruption, like it should not be cut from anywhere, it should be straight bina rukawat ke agar ye rekha hai, then it is the first thing that you get a government job, first thing. Second thing, look your Jupiter mount, like index finger ke just below, ye hota hai aapka Guru ka parvat. If from there, this part, yahan se koi rekha agar aapki, suppose this line, and from touching, it reaches here, Guru parvat tak aaye, then it is a second most important combination for getting a government job if these lines are well formed. And third thing which we have to see, that from here Guru Parvat, yahan se koi utha hua, koi bhi ek seedhi rekha yahan par honi chahiye. You must have this straight lines below your index finger. Bahut se agar uthi bhi aur seedhi rekha hai, then it is a good combination for getting a government job. And fourth thing which we have to see, भाग्य रेखा से एक शाखा, लाइक यू हैव टू सी योर फेथ लाइन, स्ट्रेट लाइन विच इज़ बिलो योर मिडिल फिंगर, दिस इज़ अ फेथ लाइन. भाग्य रेखा से कोई एक शाखा, लाइक इफ़ एनी ब्रांचेस इट गोज टू द जुपिटर माउंट, यहाँ तक जाए, देन इट इज़ ऑल्सो अ गुड योग. और सूर्य पर्वत तक भी जा सकती है, लाइक इफ़ एनी रीचेस टू हियर ऑल्सो, देन इट इज़ अ गुड एंड बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब. Apart from this, there are some auspicious and inauspicious signs that I am going to clear right now. So wait. अब ऐसे कुछ शुभ साइंस हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी. जैसे कि पहला है कि सूर्य रेखा से कोई एक रेखा या बहुत सी रेखाएं अगर आपके गुरु पर्वत तक जाए, तो आप एक अधिकारी बन सकते हैं. अगर आपका सूर्य पर्वत, यानी कि ये जो एरिया है इधर का, ये एरिया अगर आपका वेल डेवलप है, यानी कि ठीक है, और वहाँ पर कोई अशुभ चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. ऐसा नहीं कि आप वहाँ जाके बीमार हो गए उस पद को प्राप्त करने के बाद, तो आपका हेल्थ वाइज भी आप काफ़ी अच्छे रहोगे. अब आपको ये देखना है कि ये जो बुध पर्वत है, यानी कि लिटिल फिंगर के जस्ट नीचे, अगर यहाँ पर कोई बुध पर्वत छोटा सा त्रिभुज बना हो, त्रिभुज यानी कि इस टाइप का सिंबल हो यहाँ पर, तो आप कोई प्रशासनिक विभाग में एज अ उच्च पद पर आसीन हो सकते हैं. अब हम कुछ ऐसे अशुभ योग के बारे में आप सभी को बताने जा रहे हैं. अशुभ लक्षण क्या क्या हो सकता है. अगर दोनों हैंड में, अगर हार्ट लाइन यानी कि हृदय रेखा अस्पष्ट हो और कमज़ोर हो, यानी कि ब्रेक हो, टूटी हो, तो इसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति है वो आलसी किस्म का है, और डेट पर्सन मे बी लाइक कामचोर, वो ज़्यादा काम करने वाला नहीं होगा. एंड सेकेंड थिंग जो आपको देखनी है, अगर आपके हाथ में ये मणिबंध रेखा, अगर यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं ना होकर सिर्फ एक ही रेखा है, वो भी अधूरी हो गई, और एक है और अधूरी भी है, मतलब स्पष्ट नहीं है, इसमें भी कहीं कट्स ब्रेक्स लगे हुए हैं, तो आप में कोई एक्साइटमेंट नहीं रहेगा गवर्नमेंट जॉब के प्रति, और आपको हमेशा निराशा ही हाथ लगेगी, ध्यान रखें. अब आप नेक्स्ट देखो कि दोनों हाथों में जो मंगल पर्वत है, अगर वो उभरा हुआ नहीं है, तो वेल डेवलप नहीं है, तो आपको कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं होगी. तो ये कहाँ पर पड़ता है, ये आपका वीनस माउंट आप देख रहे हो, ये थंब, जहाँ से ये आपका लाइफ लाइन यहाँ से स्टार्ट होता है, जस्ट उसके नीचे का ये जो रीज़न है, इधर आपका मार्स का माउंट होता है, मंगल का पर्वत, और एक इधर भी एक मंगल पर्वत होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव काम करता है.
तो अगर आपका ये वाला हिस्सा अगर वेल डेवलप नहीं है तो आप कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाओगे। और इन ऑस्पिशियस साइंस में ये आपका मिडिल फिंगर के नीचे आपका भाग रेखा हो गया। अगर ये भाग रेखा के पास इधर आसपास कहीं भी अगर प्लस साइन ऐसा करके हो जाता है तो आपको कष्ट मिलने की आशंका है, लाइक हर्डल्स एंड प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आ जाएंगी उस वक्त। अगर मस्तिष्क रेखा छोटी हो आपकी, लाइक ये जो रेखा है ये तो वैसे बड़ी है यहाँ पर मैंने बनाया, पर ये आपकी छोटी होगी तो आपको लाइक क्या बोलोगे मृत्यु समान कष्ट आपको झेलना पड़ सकता है। और कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहूँगा इसी श्रृंखला में वो है कि अगर आपके अंगूठे में चक्र हो, लाइक स्टार्स बने हुए हों, स्टार्स अगर आपके दोनों थंब में स्टार्स बने हुए हों, पहले थंब का जो पार्ट होता है उसमें, तो यू आर ए वेरी लकी पर्सन, धनवान होंगे, ऐश्वर्यवान, प्रभावशाली, माइंड रिलेटेड वर्क्स में आपकी अच्छी पकड़ रहेगी, आपको मान सम्मान आपके लाइफ में रेस्पेक्ट और फेम जरूर मिलता है इनको। अगर दोनों हाथ में मणिबंध से कोई रेखा, यानी कि वही आपका ये जो मणिबंध है, अगर यहाँ से कोई भाग्य की रेखा शनि पर्वत पर चली जाती है यहाँ तक, तो ये गज लक्ष्मी योग और धन लाभ आपको अवश्य मिलता है। लेकिन यहाँ पर देखो ये पूरा स्पष्ट होना चाहिए, यहाँ पर कोई ब्रेक्स और कट्स नहीं होना चाहिए तब। वहीं अगर ये जो वीनस माउंट है, अगर यहाँ से कोई रेखा ऐसा फेट लाइन बन के फिर से शनि क्षेत्र पर चली जाती है तो आपके जीवन में धन की बारिश स्टार्ट हो जाएगी। सेम अगर उसी तरीके से अगर चंद्र पर्वत से उठ कर कोई चंद्र रेखा भाग्य रेखा बन जाती है और वो यही शनि के क्षेत्र में चली जाती है तो भी ये बहुत ही अच्छा योग है। वहीं अगर कोई लिटिल फिंगर के नीचे यानी कि इस पर्वत से कोई रेखा आके एज अ फेट लाइन बन जाती है और फिर से वो शनि के क्षेत्र में चली जाती है तो आपको धन संबंधित कार्यों में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये सब दोस्तों जॉब पाने में, अपने आय के साधन को बढ़ाने में, अगर ये लाइंस आपके लाइफ में हैं, सपोर्टिव लाइंस हैं, ये सब चीज़ें अगर हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। डेड पर्सन डेफिनेटली गेट अ जॉब एंड गेट पेड, उसके जीवन में धन की कोई कमी नहीं होगी। सो अगर नहीं भी है तो निराश नहीं होना है, दिस आर जस्ट फॉर कॉम्बिनेशंस। अगर आपके हाथ में है डेट वुड बी ऑस्पिशियस, अगर नहीं है तो क्या कर सकते हैं, सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती है।